नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। यूपीएससी के दो अधिकारी दिल्ली तलब किए गए हैं। सीबीआई ने अधिकारियों को तलब किया है और आयोग को पत्र भेजकर तलब किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 9 से लेकर 16 जून तक दिल्ली में रहने को कहा गया है। पीसीएस 2013 परीक्षा के डॉक्यूमेंट्स के साथ तलब किया गया है। 2012 से 2017 के बीच हुई भर्तियों में धांधली का ये पूरा मामला है। फिलहाल बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर यूपीपीएससी के दो अधिकारियों को तलब किया गया है और सीबीआई ने इन अधिकारियों को तलब किया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सीबीआई ने इन अधिकारियों को तलब किया है। अहम जानकारी सामने आ रही है, आयोग को पत्र भेजकर तलब किया है। तो आयोग को पत्र भेजकर तलब किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 9 से लेकर 16 जून तक दिल्ली में रहने को कहा गया है। तो 9 से 16 जून तक दिल्ली में रहने को कहा गया है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीसीएस 2013 परीक्षा के डॉक्यूमेंट्स के साथ तलब होने को तलब किया गया है। तो फिलहाल खबर है लखनऊ से, 2012 से लेकर 2017 के बीच हुई भर्तियों में धांधली का ये पूरा मामला है। तो यह अहम खबर, भर्तियों में धांधली के मामले को लेकर अब यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी यह बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भर्ती में धांधली को लेकर यह खबर सामने आई है। यूपीपीएससी के दो अधिकारियों को तलब किया गया है। यूपीपीएससी के दो अधिकारियों को तलब किया गया है। सीबीआई ने अधिकारियों को तलब किया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सीबीआई की ओर से अधिकारियों को तलब किया गया है और आयोग को पत्र भेजकर तलब किया गया है। लखनऊ से ये खबर है, भर्तियों में धांधली से जुड़ी ये अहम खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर अब सीबीआई के अधिकारियों की ओर से दो अधिकारियों को तलब किया गया है। 9 से 16 जून तक दिल्ली में रहने को कहा गया है। तो 9 से लेकर 16 जून तक दिल्ली में रहने को कहा गया है। पीसीएस 2013 परीक्षा के डॉक्यूमेंट्स के साथ तलब किया गया है। तो पीसीएस 2013 परीक्षा के डॉक्यूमेंट्स को लेकर तलब होने के बाद 2012 से 2017 के बीच हुई भर्तियों में धांधली से जुड़ा यह पूरा मामला है। लखनऊ से खबर है, यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है, यूपीपीएससी के दो अधिकारी दिल्ली तलब किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, सीबीआई ने अधिकारियों को तलब किया है। तो सीबीआई की ओर से अधिकारियों को तलब किया गया है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आयोग को पत्र भेजकर तलब किया गया है। तो आयोग को पत्र भेजकर तलब किया गया, फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। और यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी यह बड़ी खबर, तो यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 9 से लेकर 16 जून तक दिल्ली में रहने को कहा गया है। तो 9 से लेकर 16 जून तक दिल्ली में रहने को कहा गया और पीसीएस 2013 परीक्षा के यहां पर बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ 2012 से 17 के बीच हुई भर्तियों में धांधली से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी यह बड़ी खबर है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर यूपीपीएससी के दो अधिकारी दिल्ली तलब किए गए हैं। लखनऊ से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपीपीएससी के दो अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है। और अगली